मार्कोस कमांडो नाम सुनते ही दुश्मन का रूह तक कांप जाती है। दुनिया की सबसे खतरनाक कमांडो जो इंडियन नेवी का ही एक हिस्सा है, जो हर तरह की परिस्थिति में लड़ने के लिए सक्षम होती है। वो हवा हो या फिर पानी या फिर जमीन हो या फिर जंगल वॉरफेयर, हर तरह की टेक्निक में इन्होंने माहिर होती है। मार्कोस कमांडो की ऑफिशियल नेम होती है मैरिन कमांडो, जिनके ओरिजिनल नेम है इंडियन मैरिन स्पेशल फोर्स। इस कमांडो का मोटो होती है द फ्यू द फेयरलेस। मार्कोस कमांडो की स्थापना करीब 1987 में की गई थी। सामुद्रिक लुटेरों से बचाने के लिए इस कमांडो का स्थापना किया था। कहा जाती है कि मार्कोस कमांडो बनना इतना आसान नहीं होता है। प्रति 10,000 सैनिक में से सिर्फ एक ही सैनिक ही मार्कोस कमांडो बन पाती है। मार्कोस कमांडो को दुनिया की सबसे बेहतरीन स्पेशल फोर्स माना जाती है। इस वीडियो में मार्कोस कमांडो बनने के लिए सिलेक्शन प्रोसेस, ट्रेनिंग प्रोसेस और बैजेस के बारे में बताएंगे। पहले सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं। मार्कोस कमांडो बनने के लिए आपका उम्र 20 से 25 साल के अंदर होना चाहिए। लेकिन इस कमांडो का हिस्सा बनने के लिए सबसे पहले आपको इंडियन नेवी या फिर इंडियन आर्मी या फिर इंडियन एयरफोर्स या फिर CRPF का जवान होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होती हो मार्कोस कमांडो बनने के लिए। मार्कोस कमांडो बनने के लिए पहले आपको 3 दिन का फिजिकल टेस्ट लिया जाती है। उसके बाद मार्कोस कमांडो की पहले ट्रेनिंग 5 हफ्ते के लिए होती है। ये ट्रेनिंग इतना खतरनाक होती है जिसमें 80% सेना हार मान के वापस लौट जाती है, और जो 5 हफ्ते की ट्रेनिंग झेल लेती है उन्हें 3 साल के लिए असली ट्रेनिंग में भेजी जाती है। शुरुआती तौर पर सेना को अपनी कंधे पर 25 से 30 kg वजन लेकर जंग भरी कीचड़ में घुसकर 800 मीटर दौड़ लगाना पड़ती है। इसके बाद जवानों को हेलो एंड हाओ जंप प्रशिक्षण से गुजरना होती है। दोनों ही जंप काफी अलग प्रकार का जंप होती है, जहाँ हेलो यानी कि हाई एल्टीट्यूड लो ओपनिंग, जहाँ सेना को एयरक्राफ्ट से 35,000 फीट की ऊंचाई से जंप लगाना पड़ती है और जमीन के नजदीक में जाकर पैराशूट को खोलना पड़ती है। उसी तरह हाओ यानी कि हाई एल्टीट्यूड हाई ओपनिंग, जहाँ सेना को 12,000 से 15,000 फीट की ऊंचाई से जंप लगाना पड़ती है और जंप लगने के बाद 15 सेकंड के अंदर ही अपनी पैराशूट को खोलना पड़ती है। उसके बाद जवानों को स्कूबा ड्राइविंग या फिर गोताखोरी का ट्रेनिंग दिया जाती है, जो एक प्रकार पानी के अंदर जाने वाली गतिविधि है, जहाँ पर स्कूबा ड्राइवर्स अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर पीठ पर लेकर पानी के अंदर जाती है। इसके बाद सेना को चाकू, धनुर्विद्या, स्नाइपर, राइफल गन, हेडगन, मैशिन गन, हर तरह की अस्त्र शस्त्र चलाना सिखाई जाती है। साथ में बिना हथियार में लड़ने के लिए भी प्रशिक्षण दिया जाती है। इन सारी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद मार्कोस कमांडो को अमेरिका नेवी सील के साथ ट्रेनिंग के लिए भेजी जाती है, ताकि मार्कोस कमांडो और भी कुशल बन सके। बता दें कि मार्कोस कमांडो की ट्रेनिंग INS ओबुमेनु में होती है। मार्कोस कमांडो बनने के बाद अपनी पहचान हमेशा छुपा कर रखना पड़ती है। अपने परिवार वालों को भी बताना ही होती है कि मार्कोस कमांडो में है। अब जान लेते हैं मार्कोस कमांडो की बैजेस के बारे में। मार्कोस कमांडो के लिए भी एक स्पेसिफिक बैच रहती है, जैसे इंडियन आर्मी की पैरा कमांडो की बैजेस रहती है, उसी तरह मार्कोस कमांडो की एक स्पेसिफिक बैच रहती है। जो सेना 3 साल की स्पेशल ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेती है उनको मार्कोस बैजेस दिया जाती है। इनके अलावा US नेवी सील का बैजेस भी पहनती है। US नेवी सील के साथ 24 हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद मार्कोस कमांडो को ए बैच दिया जाती है। इन सारी ट्रेनिंग के बाद तैयार होती है एक मार्कोस कमांडो, जो दुनिया की सबसे बेहतरीन स्पेशल फोर्स बनती है।